दोस्तों श्रीलंका के खिलाफ पहले वनडे के लिए भारत की बैटिंग 11 का इरफान व लक्ष्मण ने किया चयन, जानिए किसे दिया मौका। तो दोस्तों ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग, काफी रोमांचक होने वाली है, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखते रहें। वही वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर कर लें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे आपके पास हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंच जाए सबसे पहले। तो दोस्तों अब आइए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों इंडिया टूर ऑफ श्रीलंका 2021 टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर वीवीएस लक्ष्मण और इरफान पठान ने पहले वनडे के लिए बॉलिंग 11 का चयन किया है। दोनों खिलाड़ियों की टीम में 10 खिलाड़ी एक जैसे हैं, सिर्फ 7वें नंबर के लिए दोनों ने अलग अलग प्लेयर का चयन किया है। और शेखर धवन की कप्तानी में टीम इंडिया श्रीलंका दौरे पर गई हुई है, जहां उसे पहले 3 मैचों की वनडे सीरीज और उसके बाद इतने ही मैचों की टी20 सीरीज खेलनी है। वनडे सीरीज की शुरुआत 13 जुलाई से होगी, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज वीवीएस लक्ष्मण और पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान ने इस मुकाबले के लिए अपनी फेवरेट और स्टीप बॉलिंग 11 का चयन किया है। इन दोनों ने जिस टीम का चयन किया है उसमें सिर्फ एक ही खिलाड़ी अलग है, नहीं तो 10 खिलाड़ी समान है। और श्रीलंका दौरे पर जहां टीम इंडिया की कमान अनुभवी शेखर धवन के हाथों में है, तो वहीं टीम के काफ़ी युवा खिलाड़ियों को मौका मिला है। लेकिन सबसे अहम यह है कि किन खिलाड़ियों को बॉलिंग 11 में मौका मिलता है और वो इस मौके को कितना भुना पाते हैं। जहां तक लक्ष्मण और इरफान की बॉलिंग 11 का सवाल है, तो इन दोनों की टीम में बतौर ओपनर कप्तान शेखर धवन है और उनका साथ निभाने के लिए इन्होंने पृथ्वी शाह का चयन किया है। तीसरे व चौथे और 5वें नंबर के लिए दोनों की टीमों में सूर्य कुमार यादव, संजू सैमसन और मनीष पांडे हैं। तो वहीं 6ठे नंबर पर ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या का चयन किया गया है। अब लक्ष्मण ने अपनी टीम में 7वें नंबर पर कुणाल पांड्या को रखा है, तो वहीं इरफान पठान ने इस नंबर के लिए बल्लेबाज नीतीश राणा का चयन किया है और 7वें नंबर के लिए दोनों ने अलग अलग खिलाड़ी का चयन किया है। इसके बाद तेज गेंदबाज के तौर पर दोनों दिग्गजों ने भुवनेश्वर कुमार और दीपक चाहर को चुना है, तो वहीं स्पिनर के रूप में कुलदीप यादव और यजवेंद्र चहल का चयन किया है। दोस्तों अब आइए बात करते हैं कि वीवीएस लक्ष्मण ने बॉलिंग 11 क्या चुनी है। तो दोस्तों नंबर 1 पर शेखर धवन कप्तान, नंबर 2 पर पृथ्वी शाह, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर मनीष पांडे, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर कुणाल पांड्या, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर दीपक चाहर, नंबर 10 पर कुलदीप यादव, नंबर 11 पर यजवेंद्र चहल। दोस्तों आइए बात करते हैं कि इरफान पठान ने बॉलिंग 11 क्या चुनी है। दोस्तों नंबर 1 पर शेखर धवन कप्तान, नंबर 2 पर पृथ्वी शाह, नंबर 3 पर सूर्य कुमार यादव, नंबर 4 पर संजू सैमसन, नंबर 5 पर मनीष पांडे, नंबर 6 पर हार्दिक पांड्या, नंबर 7 पर नीतीश राणा, नंबर 8 पर भुवनेश्वर कुमार, नंबर 9 पर दीपक चाहर, नंबर 10 पर कुलदीप यादव, नंबर 11 पर यजवेंद्र चहल। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।